कभी कभी डीओ छिड़क के निकलो रात के दस ग्यारह बजे बाहर जब पापा घर पे हूँ तब पता चलेगा डीओ की खुशबू कितनी इफेक्टिव है किधर <laughs> वर्ड स्कमिश झगड़ा बॉर्डर पे होता है एन एपिसोड ऑफ इेगुलर और अन प्रीमेडिटेटेड फाइटिंग मतलब पहले से प्लान नहीं था हो ही गया कुछ वहां पर स्पेशली बिटवीन स्मॉल और आउटलाइंग पार्ट एन ऑफ आर्मी जैसे आप देखते हैं right? so, प्लान नहीं होता है लेकिन हाँ रेडी रहते हैं कि गड़बड़ हो सकती है तो उस मौके पर क्या है झगड़ा हो जाता है क्लैश कॉन्फ्लिक्टल राइट तो मार्क कर लेते हैं भाई एटलीस्ट तीन वर्ष तो हम मार्क कर ही लेते हैं ये वाले क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट तो हमें पता है ट्रूस truce. Okay, truce, कॉल कर दिया मतलब लड़ाई रुक गई कॉन्कर्ड एंड ट्रूस ये दो वर्ड्स मार्क कर बड़ा यहां पर देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एक्सपेक्ट जो बाहर चले गया है देश छोड़ के अ पर्सन आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री पर्सन हु लिव्स आउटसाइड थोड़ा सा ग्रामर गर uh, है हमारा ग्रामर भी पढ़ाते हैं बाबूजी हम हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट सुंदर है ना यार hmm. तुमसे बड़ी है माइग्रेंट एमिग्रेंट एक्साइल रिफ्यूजी एक्सपैट एक्सपैट उसका शॉर्ट एक्सपैट कर, कर दिया

I think you must know all these words one by one. Indigenous, repatriate and aboriginal. Originally वहीं को बिलोंग करता है वो बंदा. All right. Next is multifarious, having a wide range, बहुत सारा वैरायटी है. ऐसा कुछ होना चाहिए इस कामी. Many and of various types. That is multifarious. Blueberry, orange, bubblegum, blackberry, cinnamon, grape, पता नहीं क्या आए. Vanilla I think and lemon. इतने सारे. फ्लेवर्स आइसक्रीम के जब आप आ, किसी बड़ी शॉप में जाते हैं आइसक्रीम की जो उनका होता है तो वहाँ पे वो अजीब इसे नाम रखते हैं जो बोले आते हैं तो हम तो बोलते हैं भैया बैंगनी वाली दे ना डाइवर्स न्यूमरस मल्टीटिनस लीजन सनवी मायरियाड एंड एक अरे भैया बहुत सारा वर्ड मिल जाता है मैं पाँच लेके आता हूँ पचास बता के जाता हूँ यार कुछ वन टू थ्री फोर ये चार तो अलग से माफ करी लो डाइवर्स न्यूमरस एंड मल्टीट्यूडनस आई होप यू वुड ऑलरेडी नो नाउ वी कम टू द कोई वैरायटी है यहां कुछ नहीं है होमोजिनस यूनिफॉर्म सिंगल अनवेरिड सारे सारे मल्टीफेरियस के ऑपोजिट्स गोड किसी से कह कह के कह कह के कह के कोई काम करवा लेना दैट इज गोल्ड इतना एनॉय कर दो मान ही जाए सर पटक के कि ठीक है यार जाओ मरो ट समशन so फिर कहे हुए गुस्सा करता है अरे चाबी भर रहे यार तीन दिन से अब जैसे इसको तंग कर रहा है वो अब वो उठा के पटक देगा तो क्या गलती है उसकी प्रोवोकुलेट पिक प्रॉड पैजर एंड इन फ्लेम यूजली नो ऑल दीज वर्ड प्रॉड मे बी वन ओके बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड अर्स वर द नहीं छेड़ने का बॉस इनहिबिट डिस मतलब थाम के चलना भड़काना नहीं है शांति रखना है उसको वो कह रहा है ना यार है, मत मारो यार हमको देख रहे हो अब अब बिल्कुल नीचे या फिर बहुत ही बुरी सिचुएशन दोनों केस में यूज करते हैं एक्सट्रीमली बैड या वेरी डीप जेनिथ इसका एंटोनिम होएगा मतलब टॉप मोस्ट होता है अबिसमल बस 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 वो बिल्कुल बॉटम एंडलेस बॉटम एक्चुअली पहुंच ही नहीं पा रहा है इट्स एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस अब स्मूल डिसग्रेसफुल अट्रोसियस डिप्लोरेबल लाउजी अट्रोसियस सुना होगा स्कूल में कोई तो मैम होंगी जो ये वर्ड यूज कर रही होंगी सुन के चलना अट्रोसियस तुम सर गुड अप्रिशिएट कर रहा है गुड सुपर्ब शैलो कौन से मीनिंग को लेके बना रहा है, वो जो के को के बना रहा, उसका है या शैलो है ओके okay? गहरा नहीं है पहला सेंटेंस अ टीचर ऑलवेज फाइंड ऑलवेज फाइंड होना चाहिए फिर से ग्रामर गलत कहीं से हो रहा भाई हाँ अ टीचर ऑलवेज फाइंड न्यू पॉजिटिव वेज टू हिस्टूडेंट इन टू रीडिंग मोर Uh, मैं तो नहीं कर पाया हूं लेकिन हाँ सेंटेंस इनका है कि गोट करते हैं मतलब इतना पीछे पड़ जाओ कि बच्चा पढ़ना शुरू कर ही दे मैं इतना कर नहीं पाता हूं रोज मिलता ही नहीं हूं आपसे आप मुझसे आप मिलते नहीं है सुनते नहीं है कहते नहीं है बोलते नहीं बताते नहीं है होगा कैसे पढ़ा करो वेन द लिब लाइब्रेरियन सॉरी वेन द लाइब्रेरियन वॉज इन लुकिंग द चिल्ड्रेन हैड अ अट ओवर अ बुक एक किताब के पीछे लड़ बैठे होंगे यार पढ़ना नहीं है लेकिन हमारा हक है जानते नहीं हम कौन है तो किताब तो हम ही लेंगे इसका हमेशा छोटा मोटा झगड़ा हो गया भाई एक किताब के चलते मा अंकल कंट्री ऑफ इज बर्थ टू लिव इन फ्रांस तो भाई देश छोड़ के चले गए हैं एक्सपैट हो गए हैं हु लेफ्ट द कंट्री ऑफ इज बर्थ नेक्स्ट वन द म्यूजियम विल हाउस एग्जिबिट्स रिप्रेजेंटिंग वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब अब म्यूजियम में है कि अराउंड द ग्लोब के वर्ल्ड लीडर्स को रिप्रेजेंट करने की चीजें रखेंगे मतलब मल्टी वाइड वराइटी वाइड रेंज तो वी हैव मल्टीफेरियस बिकॉज अ बास्केटबॉल टीम हैज एन रिकॉर्ड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन द लीग अब हारे ही हारे हैं तो टीम तो वर्स्ट हो ही जाएगा ना कैसा रिकॉर्ड है बहुत ही घटिया अपॉलिंग अबिसमल मतलब इससे नीचे भाई साहब आप जा नहीं सकते अब इतना नीचे आपका रिकॉर्ड है ये डन मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं सात बजे के पहले घर आ जाना जाओ तुम चाहे जहां वेरी वेरी सुन